तो भी गाइस फाइनली हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है और कुछ हमारी रंगोली ऐसे ही है। हे गाइस जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी का सीन है कि मैं राहुल भैया के पास आया था, हाय कर दो। ये आया था ब्लॉग अपलोड करने के लिए क्योंकि इनका 5G मोबाइल है तो अनलिमिटेड डाटा है, तो मुझे लगभग 4GB या 5GB लग जाती है वीडियो अपलोड करने के लिए। जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ भैया के पास आ जाता हूँ और अभी के 7:30 बजने में आ चुके हैं। अभी देखते हैं ब्लॉग कितने बजे तक अपलोड होता है, मुझे 8 बजे तक कैसे भी करके अपलोड कर देना है, तो हम अभी बाहर जाएंगे। तो भाई अभी चलते हैं बाहर क्योंकि घर में 5G नेट नहीं चल रहा है, बाहर चलते हैं। और मस्त वाला सन भी निकल चुका है अभी। तो भाई अभी के 7:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पे बैठे थे भैया, और मैं यहाँ पे बैठा था और यहाँ पे मस्त हमने आग लगा दी थी क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा हो रही थी। थोड़ा सा ब्लॉग बाकी सिर्फ अपलोड होने का, तक हम वेट करते हैं अभी ब्लॉग अपलोड होने का। मैं आ चुका हूँ और वीडियो अपलोड हो चुका है और अभी के 8 बज गए हैं। ये देखो अभी तक सो रहा है, अभी इसको जगाते हैं। कौन आया है? हेलो, इसको दूध पिलाते हैं और बाकी जो दूध बचा हुआ है वो उन पपीज को पिला देंगे। जो छोटे छोटे डॉग्स है उनको अभी दूध पिलाते हैं। तो चलो भाई फाइनली आ चुका है बिस्किट और दूध। भाई इतने कुछ आए यहाँ पे और इन्होंने पूरा खत्म कर डाला है। देखो भाई इन्होंने तो प्लेट भी दो डाली है। बाकी पपीस यहाँ पे दूध पी रहे हैं, तो जो जो बाकी है उनको लेने के लिए चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ पे बाकी अभी हम लेने के लिए जाते हैं। हेलो, चलो भाई तुम्हारी माँ आ चुकी है, चलो। आ गए भाई ये भी आ गए, ये देखो आ गए भाई ये भी, ये देखो। अभी गिन के आते हैं कितने डॉग इसे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन के सेवन यहाँ पे ही है। ये तीन जो है डॉग होते डरते यार हमारे से, ठीक है, डरते ही नहीं। चल भाई आजा आजा आजा, ये देखो भाई आ गया, अभी इनको देखते। चल चल आजा 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 आजा, नहीं ये आता यार ये। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं मस्त वाले और अभी के 2 बज रहे हैं। और आज है क्या बताएं आपको, वसुबारस। तो आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से वसुबारस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बताएं कि हर साल हम वसुबारस के दिन गाय और बछड़े की रंगोली निकालते हैं, इस बार भी हम निकालेंगे गाय और बछड़े की रंगोली। बजने का वेट करते हैं फिर हम निकालेंगे रंगोली। आपको बताएं कि मुझे थोड़ी बहुत रंगोली भी आती है, ड्राइंग आती है, तो मैं लड़कियों जैसी रंगोली नहीं निकालने वाला, सिर्फ आउटलाइन निकालने वाला हूं गाय और बछड़े की, और उसमें हम कलर्स बने। हाँ वेट करते हैं 3 बजने। तो गाइस अभी निकालते हैं सिंपल सा गाय और बछड़ा, तो सिंपल सी ड्राइंग करेंगे यहाँ पे। तो हम ये जो आपको ड्राइंग दिख रही है निकालेंगे यहाँ पे, और ये जो ड्राइंग है बहुत ही पुरानी ड्राइंग है गाइस, इसको लगभग 2-3 ईयर्स हो गए होंगे, 2-3 साल हो गए होंगे इस ड्राइंग को निकालते हुए, और अभी भी मेरे पास है। और ऐसे ही मेरे पास बहुत ही सारे ड्राइंग पड़े हुए हैं, आपको दिखाएंगे। तो अभी निकालते हैं हमारी रंगोली। रंगोली कंप्लीट हो चुकी है, मतलब मैंने चौक से उसको बॉर्डर कर दिया है, अभी बाकी जो करेंगे मम्मी करेगी। मेरा काम था कि गाय की और बछड़े की आउटलाइन निकालनी है, फिर कलर भरने के बाद गाय कैसी दिखेंगी है आपको दिखाएंगे, और कमेंट में जरूर बताना कि गाइस गाय कैसी दिख रही है। तो भी गाइस फाइनली हमारी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है और कुछ हमारी रंगोली ऐसे ही है। हमारा गली का भावेश कैसी लग रही है भाई? अच्छी लग रही है। ये
ये देखो भाई ऐसी कुछ है ये, जो भी है लेकिन अच्छी है पता है। लेकिन इसमें जो ही बहुत ही कलर में डिफरेंट होगा, बहुत ही चीज़ों में डिफरेंट है, बहुत ही चीज़ें गलत है ये, लेकिन कोई नहीं यहाँ पे गलत है ये। लेकिन मैं जब स्केच पे ड्राइंग करता हूँ तो बहुत ही सही निकालता हूँ। आपको मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है, आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। और गाइस रात में कुछ ऐसा लग रहा है, देखो भाई ऊपर लाइट भी लगा दी मस्त वाली, और इधर कुछ ऐसा लग रहा है। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि हमने ये रंगोली क्यों निकाली। वो आज हमारे महाराष्ट्र में वसु बारस है। अभी आप सोच रहे हो कि वसु बारस क्या होता है। वसु का मतलब होता है गाय और बारस का मतलब होता है गाय का जो बछड़ा होता है वो। और हमारे महाराष्ट्र में आज के दिन वसु बारस को मनाया जाता है, मतलब गाय और उसके बछड़े को पूजा जाता है। और हमारे महाराष्ट्र में आज से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। तो मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हैप्पी दीपावली। गाइस आज के दिन हमारे गाँव में हर घर के सामने रंगोली निकाली जाती है डिफरेंट डिफरेंट तरह की। जैसे हमने आज हमारे गाय और गाय के बछड़े की रंगोली निकाली, वैसे ही हर घर के सामने डिफरेंट डिफरेंट तरह की रंगोली निकाली जाती है। मतलब हर घर के सामने नहीं, जिसका मन होता है वही निकालता है। जैसे आज हमने निकाली, हमारा मन हुआ क्योंकि आज मतलब घर के सामने एक अच्छा सा फील आती है, अच्छा सा दिखता है घर के सामने रंगोली होती है। तो हमने निकाली बस, और दूसरा कुछ नहीं। और गाय को आपको बताइए, गौ माता को भगवान के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए हमने भी गौ माता की रंगोली निकाली। और सबसे बेटर तो मुझे ये लगा कि दिन हमारे महाराष्ट्र में गौ माता को पूजा जाता है। मैं तो कह रहा हूँ ये पूरे इंडिया में होना चाहिए, कम से कम एक दिन तो होना चाहिए गौ माता को पूजा जाए। तो बस गाइस आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करता हूँ। तो आई होप गाइस आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना आपको रंगोली कैसी लगी वो बता देना। तो बस मिलते जल्दी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। और गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतने कम फटाके फोड़िए, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत होता है और जो एनिमल्स होते हैं। गाइस 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 इस भाई ने पिछले वाले ब्लॉग में कहा था कि हम दबा के फटाके फोड़ेंगे, हम फटाके कभी नहीं फोड़ते। इसलिए सच्चे हम बाकी के ब्लॉगर कैसे बोलते हैं कि हम फटाके नहीं फोड़ते, नहीं फोड़ते, लेकिन हम नहीं फोड़ते, हम फटाके फोड़ते नहीं, लेकिन इस बार जरूर फोड़ेंगे, इस बार जरूर फोड़ेंगे। देखो भाई मैं तो कह रहा हूँ कम से कम फोड़ा जाए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि फोड़ते ही रहो, हम भी फोड़ेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं फोड़ेंगे। देखो बात कैसे बदलते, गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं, गिरगिट के जैसे।